नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा T20I मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने बेहद शानदार अंदाज में न सिर्फ पांचवा T20I जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस वीडियो में हम जानेंगे टीम इंडिया के उन पांच हीरोज के बारे में जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शानदार जीत न सिर्फ मैच में बल्कि पूरी सीरीज के दौरान देखने को मिली। मैच के पहले हीरो थे कप्तान विराट कोहली। जी हाँ, कप्तान विराट कोहली इस पूरी सीरीज के दौरान शानदार फॉर्म में थे और आखिरी मैच में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया। इस मुकाबले में वो ओपन करने के लिए आए थे और पहले रोहित शर्मा के साथ बढ़िया पार्टनरशिप की और इसके बाद सूर्य कुमार यादव और फिर हार्दिक पांड्या के साथ भी छोटी छोटी साझेदारियां कर टीम के स्कोर को 224 तक पहुंचाया। बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने 52 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के लगाए। मैच के दूसरे हीरो थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ओपनिंग में विराट कोहली के साथ पहले तो 94 रनों की साझेदारी की और इस दौरान सिर्फ 34 गेंदों पर 64 रन ठोक डाले थे। उन्होंने इस दौरान 4 चौके और 5 छक्के ठोके। ये रोहित शर्मा की पारी का ही असर था कि टीम इंडिया ने ना सिर्फ पावर प्ले बल्कि पहले विकेट के लिए भी बड़ी शानदार शुरुआत कर ली थी। मैच के तीसरे हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, जहाँ तमाम गेंदबाजों पर बहुत सारे रन बन रहे थे वहीं भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 15 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट भी हासिल किए। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने जेसन रॉय को आउट किया और उसके बाद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर का भी विकेट भुवनेश्वर कुमार ने ही निकाला। भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 15 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। मैच के चौथे हीरो रहे शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर एक बार फिर हालांकि थोड़े महंगे साबित जरूर हुए लेकिन अहम मौकों पर बड़े विकेट्स निकालकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। शार्दुल ठाकुर ने मैच के दौरान काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेविड मलान का विकेट निकाला। डेविड मलान 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 45 रन खर्च किए और 3 विकेट भी हासिल किए। मैच के पांचवें और अंतिम हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, रोहित शर्मा का विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था और सिर्फ 17 गेंदों पर 32 रन ठोक डाले थे और कभी भी जो रन रेट है उसे कम नहीं होने दिया था। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए। इसके अलावा फील्डिंग के दौरान भी सूर्य कुमार यादव ने कमाल की फील्डिंग की और कई शानदार कैचेस लपके। तो ये थे पांचवें T20I में टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले 5 हीरोज जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शानदार जीत नसीब हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।